भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मसूरी में कोरोना महामारी को देखते हुए जहां आम लोग सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा मसूरी की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए एक निशुल्क एम्बुलेंस का संचालन किया गया है। आज नगरपालिका प्रांगण में एम्बुलेंस का विधिवत संचालन शुरू किया गया। पालिका सभासद दर्शन रावत ने बताया कि इस एम्बुलेंस से जहां मसूरी में मरीजों को सहूलियत होगी, वहीं देहरादून जिले के साथ ही संपूर्ण क्षेत्र के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इससे मसूरी की जनता को बहुत लाभ होगा। वहीं सभासद प्रताप पवार ने कहा कि कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है और मसूरी की जनता को एम्बुलेंस का लाभ मिले, इसके लिए बहुत पहले से प्रयास किया जा रहा था और आज पालिका के सभी सभासद एवं अध्यक्ष के नेतृत्व में इस एम्बुलेंस का संचालन शुरू हो पाया है, जिससे कि मसूरी की जनता को काफी लाभ मिलेगा। उन्हें बताया कि शहर में सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की जा रही है और हर क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही लोगों को कोरोना वायरस के पालन के लिए भी कहा जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि अभी एम्बुलेंस किराए पर ली गई है, जिसका भुगतान नगरपालिका द्वारा किया जाएगा और शीघ्र ही एक नई एम्बुलेंस मसूरी के निवासियों को समर्पित की जाएगी, जिससे कि यहां के लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि हर सभासद से कहा गया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में सैनिटाइजर और मास्क वितरित करें, जो कि नगरपालिका द्वारा सभासदों को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पूरे शहर को सैनिटाइजर किया जा रहा है, जिसके लिए नगरपालिका के कर्मचारी लगातार कार्य कर रहे हैं। इनके सहयोग से ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था की जा रही है, जो कि शीघ्र ही मसूरी क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। जी, आज नगर पालिका द्वारा एक एम्बुलेंस का संचालन किया गया मसूरी की जनता की सेवा में, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज जनहित को देखते हुए, क्योंकि बहुत समय से मांग चल रही थी कि मसूरी में एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, और जनहित को देखते हुए आज नगर पालिका ने यह सेवा शुरू करी है, जिसमें 24 घंटे यह सेवा रहेगी, उपलब्ध रहेगी और ये सेवा निःशुल्क रहेगी। किसी भी ज़रूरतमंद को अगर किसी एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो आप किसी भी क्षेत्रीय सभासद को फ़ोन करके आप उस एम्बुलेंस का लाभ ले सकते हैं। ये बिल्कुल पूरे ज़िले के अंदर निशुल्क रहेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि मसूरी की जनता से कुछ इस एम्बुलेंस से राहत। सर, सैनिटाइजर को लेकर भी कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजर नहीं किया जा रहा है, कई स्थानों पर छूट गया है सैनिटाइजर, इससे भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, लगातार सैनिटाइजर किया जा रहा है। मैं विद प्रूफ, आप किस एरिया का मेरे को देते हैं, मैं फ़ोटो के साथ विद प्रूफ के साथ मैं आपको दे सकता हूँ। बहुत से लोग घर के अंदर रहते हैं, उन्हें मालूम नहीं चलता कि बाहर सैनिटाइज हो गया। अब हम हर आदमी को नॉक करके हम बता नहीं सकते कि आप सैनिटाइज करने आ रहे हैं, लेकिन हर मोहल्ला प्रत्येक दिन सैनिटाइज हो रहा है, इस चीज़ की गारंटी मैं खुद पालिका अध्यक्ष आपको देता हूँ। सर, इसके अलावा एम्बुलेंस के अलावा और क्या क्या सुविधाएं जो है आप जनता को देंगे? इसके अलावा हमने अभी ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन जो मशीन होती है वो हमने पालिका में अभी डिमांड करनी है कि और बहुत जल्दी हमें वो उपलब्ध हो जाएंगी। कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की अभी डिमांड रखी है और एक दो दिन में जैसे ही हमें उपलब्ध होगी मसूरी की जनता को। इसके अलावा जो क्षेत्र की जनता उनको सैनिटाइजर वगैरह लगातार सैनिटाइज हो रहा है, साफ सफाई का काम, मास्क बट रहे हैं, सैनिटाइजर बट रहे हैं और लगातार ब्लीचिंग चूना सर्व तरीके का कार्य लगातार पालिका में चल रहा है। नगर पालिका की ओर से आज मसूरी की जनता को एक एम्बुलेंस दी गई है, किस प्रकार की एम्बुलेंस है, क्या क्या सुविधाएं इसमें हैं, किस तरीके से जो है संचालन होगा इसका, जी बताएं। देखिए, आज मसूरी नगर पालिका ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि मसूरी की जनता को एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई गई है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगी जिले तक जाने के लिए। इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं होगी। अभी ये एम्बुलेंस हमने किराए पे ली है, जब तक हमारी नई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो जाती है। नई एम्बुलेंस व्यवस्था के लिए भी हमने लोगों ने ईओ साहब को कहकर साइन कर दिए हैं बोर्ड की प्रत्याशा में, और जैसे ही बोर्ड बैठक होगी नई एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस एम्बुलेंस में आप जिले तक कहीं भी जा सकते हैं निःशुल्क। सैनिटाइजर को लेकर बात की जा रही है कि नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजर में लापरवाही बरती जा रही है, कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सैनिटाइजर नहीं हो पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नगर पालिका पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है और हमने भी और नई सैनिटाइजर मशीनें भी मंगवा दी हैं और हैंड सैनिटाइजर भी हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिए हैं। मुश्किल से मुश्किल 2 दिन के अंदर ही सारी व्यवस्था ठीक से काम करने लगेगी।